कन्नौज से डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में दबंगों ने एक किसान की भैंस से खोलकर भागा। भैंसों ने जब आसपास के खेतों को रौंदा तो किसान ने किसी तरह उन्हें पकड़कर बांधा। भैंस मालिक जब दबंगों के पास शिकायत करने पहुंचा तो दबंगों ने उन्हें पूरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। दबंगों के खूनी झेल का यह मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के अलियापुर गांव का है। यहां के रविंद्र के खेत में बंधी भैंसे गांव के ही दबंग उमाशंकर ने साथियों के साथ खोलकर भगा दी। भैंसे आसपास के खेत में घुसकर फसल को रौंदने लगी। किसी तरह रविंद्र ने भैंसों को पकड़ कर बांधा। उसके पिता जब इसकी शिकायत करने उमाशंकर के घर पहुंचे तो उसने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी सरिया से पीट पीट कर रविंद्र व उसके भाई को लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों ने पहुंचकर पूरे परिवार की जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सेवा। क्या हुआ था ये? आज सुबह जो है हमारे घर पे रहते श्याम और गुड्डू और ये घर भर जो है 3-7-8 लोग हम लोग बैठे थे वहाँ पर। पहले पाता लब्बड़ वो और फिर ये लोग डंडा दोबारा आए बैठे थे। डंडा लेके ये डंडा कैसे घास कुल्हाड़ी ये लेके आए विवाद इसमें जो है मारने लगे। हम लोगों को मौका नहीं मिला ताप के बगैर ये कुल्हाड़ी उलाड़ी सर्वे और ये हाथ में हाथ तो टूटे उठ ही नहीं रहा तो इसके विवाद से जो है दोबारे पर इनने कितने लोग थे लगभग कितने लोग थे ये दो उनकी लड़कियां थी तीन लड़के थे दो मियां बीवी वो थे। ये रविंदर मनोज कुमार कौन है? आपके विपक्ष विरोधी है क्या जी? अच्छा किस बात को लेकर मारते हैं सर? ये भतीजे हैं, ये भतीजे हमारे भतीजे हैं आपके जी। विवाद क्या था? विवाद साहब जो है कूड़ा उड़ा जो है जमीन जो है अभी बनावा करी थी उनको 10 हिस्से भतीजे हैं उनके पास थी। अब उनके पास रह नहीं रही किस लिए नहीं रह रही हम नहीं बता सकते। अब उसी के विवाद में जो है ये लफड़ा इन्होंने किया। धारदार हथियार भी वहाँ जी कुल्हाड़ी उनके पास थी हम लोगों के पास कुछ नहीं ऐसे बैठे थे। वो भी तो घायल हैं? घायल तो वो जैसे मतलब अब जी हम तो वहाँ पर ऐसे सब लोग बैठे थे जैसे मतलब छीना छावनी में तो कुछ तो ही जाते नहीं। गंभीर चोटें आई छीना छावनी तो हल्की लगती है लेकिन गंभीर चोटें हैं? गंभीर चोटें उन्हीं लोगों ने तो लफड़ा किया था हम लोग नहीं विवादित थे। मगर आपके चोट लगी है तो उनके भी चोटें लगी हुई हैं तो ऐसा तो नहीं है दोनों लोगों लड़ाई हुई ना ये? नहीं डंडा अंडा तो सर वही लेके आए हमारे लोगों के पास नहीं थे वो छीना छावनी में आपके पास आए कभी हमारे पास मगर हम लोग नेते थे डंडे अंडे नहीं थे उनके घर में और तक दिया तक सब अच्छे हमारे पहले एक लोगों के दूसरी बिरादरी का नाम था वो थे कुमार मतलब चमार थे उन लोगों ने नाम करा लिया सर। और फिर हम लोग जब इनका हमको लोगों पता चला इन लोगों अपनी मैडम का नाम करा दिया। जब लोगों पता चला तब इन लोगों ने जब हमारे चाचा ने इन्होंने चाचा को मेरे मारा उन्हें फतरी लगा के वो मर गए। फिर उनके बच्चे रह गए दो छोटे छोटे फिर वो हम लोग पालते हैं और उन लोगों को ये भड़का के अपने दीदी यहाँ भेज दिए। अब वो हमसे रिश्ता भी नहीं चलाते और वहाँ रखते हैं। आज मारपीट किसके साथ हुई? मारपीट मेरी ये सर मेरी भैंस यहाँ मेरे खेत के सामने बनती है और इन लोगों को खोल के चला दी और जो मेरे पापा मम्मी गए उनसे कहने तो ये मारने लगे सर। ये कौन है जिनका चोट लगी है? ये मेरे बड़े भाई इनके। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।